यहाँ पे है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रिक फॉर्मूला। यहाँ पे रूट तो निकालना है लेकिन किसके हेल्प से? क्वाड्रिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है, सॉरी, 2h² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d यही होता है। और यहां पे d निकालने से पहले हम ये भी सोच सकते हैं कि a पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद b, उसके बाद c, तब तो आएगा d। तो ए क्या होता है? ए होता है कि जो एच स्क्वायर का कोफिशियंट है यानी 2, ठीक है। बी क्या होगा? एच का कोफिशियंट। और सी क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्वाड्रिक फॉर्मूला जो होता है, अल्फा और बीटा निकालते हैं, वहां पे एक ही फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी भी बोल सकते हैं, बाई 2a। और एक माइनस लिए हैं तो एक प्लस लिए हैं तो एक माइनस होगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो ये अल्फा और बीटा है, यानी ये दो रूट्स हैं इसके। तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बी की जगह क्या है, माइनस 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 ए की जगह क्या है, 2 सी यानी 3 बाई 2 ए की जगह 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास, 49 और ये 24 बाई 4, यानी बोल सकते हैं माइनस 7 प्लस 25 बाई 4। तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये प्लस 5 बाई 2। यहां पे क्या आया, 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। इसी तरह अगर बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे यहां पे, तो माइनस 7 तो है ही, और यहां पे इसकी वैल्यू हमने लेकर आए हैं 25, और यहां पे 2 2 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस 7 माइनस 5 बाई 4 इक्वल टू माइनस 12 बाई 4 इक्वल टू माइनस 3। तो अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 1 बाई 2, बीटा इक्वल टू माइनस 3। ओके, क्लियर है। तो यहां पे दो रूट आ गया, अल्फा और बीटा, 1/2 एंड माइनस 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2h² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी क्वाड्रिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पर भी ए बी सी का वैल्यू निकाले पहले, a is equal to 2, b is equal to minus 1 और c is equal to 4, ठीक है। alpha minus b plus root over b square minus 4ac by 2a, okay, minus b यानी minus और minus 1। देखो यहां पर भी minus है, ये minus में already है भी, तो दो बार हमने दिखा दिया इसको, plus माइनस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस 4 ए की जगह 2 और सी की जगह 4 बाई 2 ए की जगह 2। तो यहां पे क्या आया हमारे पास, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये हमारे पास आ गया 32 बाई 4, ठीक है। 1 प्लस
रूट ओवर माइनस 31/4। देखो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। जब रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका रूट तो फाइंड ही नहीं होगा। ओके तो यहां पे हम लिख सकते हैं रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर बीटा का वैल्यू देखते हैं, सपोज बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वन। यहां प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, रूट ओवर माइनस 31/4। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो लिख लो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बोला कि हेंस इन स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर डू नॉट एग्जिस्ट। सो रूट्स आर Do not exist। तो हमारा आंसर क्या होगा कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर क्या है, 4x² चलिए देखते हैं, 4x² माइनस 4√3x + 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे a देखते हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4√3, c इक्वल टू 3। ठीक है, अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं, तो पहले अल्फा देख लेते हैं। देखो अल्फा और बीटा किसी को भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो है यही अल्फा होगा, ये बीटा भी हो सकता है, दो रूट है, कोई अल्फा कोई बीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं 4√3 प्लस, और इसका स्क्वायर करना है तो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 48। ठीक है, माइनस 4, ए की जगह 4, सी की जगह 3। ओके, बाई 2a, 4√3 प्लस 48 माइनस 48 बाई 8। तो हमारे पास क्या है, 4√3, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं, तो √3/2। तो अल्फा तो ये आया, तो बीटा क्या आएगा, बीटा भी सेम है, बीटा के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ माइनस है और इसकी वैल्यू तो 0 है, रूट के अंदर जो भी आया वो क्या आया, 0 आया। तो किसी भी नंबर से 0 या तो प्लस करो या तो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो √3/2, तो जो इसके रूट्स आए
ठीक है, रूट थ्री बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू। ओके आंसर, तो हमारे पास रूट से क्या है, रूट थ्री बाई टू एंड रूट थ्री बाई टू, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टू एच स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू फोर। ओके, तो हमारे पास अल्फा क्या है, था माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, क्लियर है। अगर चाहे तो आपको पहले से डी फाइंड कर सकते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। यहाँ पर अलग से पहले फाइंड कर लीजिए, फिर पुट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं अलग से फाइंड कर लेता हूँ, तो डी का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डी होगा वो, सॉरी अल्फा जो होगा वो ये हो जाता है रूट ओवर डी बाई टू, ठीक है। डी का वैल्यू हमने फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर फाइंड करेंगे माइनस वन का होल स्क्वायर, फोर ए की जगह टू है, सी की जगह फोर है, ठीक है। तो क्या है, वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम करेंगे 32, तो ये आ गया माइनस 31। तो रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो रूट के अंदर या तो बीटा भी अगर हम लेंगे तो बीटा भी क्या होगा, बीटा भी यही होगा। तो सबसे पहले डी का वैल्यू तो आना चाहिए, डी का वैल्यू या तो जीरो आना चाहिए या जीरो से ज्यादा आना चाहिए, तभी अल्फा और बीटा फाइंड हो सकेगा इस कंडीशन में, ठीक है। अल्फा और बीटा फाइंड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, माइनस है। तो बोल सकते हैं रूट के अंदर माइनस होने की वजह से ये फाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, सपोज इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या रूट हटा देते हैं, ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा